Hello students, you complete your lesson 1. Today we learn about read to lesson number 2, parts of plant. Plant के parts के बारे में बात करेंगे. Just like our body is made up of different parts, plants also have different parts that carry out various activities of a plant. जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हैंड है, लेग है, स्टमक है, इन सब के अलग अलग वर्क होते हैं. उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग, और वो अपने हर पार्ट से अलग अलग एक्टिविटीज़ या क्रिया करता है. जैसे ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स. एक प्लांट टू मेन पार्ट्स के दो मेन पार्ट होते हैं. कौन कौन से? द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट. जो प्लांट होता है उसके जो ऊपर का भाग होता है उसको शूट बोला जाता है. जैसे सॉइल के ऊपर का जो भाग है उसको शूट बोला जाता है. इसको, ये सॉइल है, इससे ऊपर का जो भाग है इसको शूट बोला जाता है प्लांट को. इट हैज़ स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ईटीसी. इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो शूट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फ्लावर्स है, स्टीम है, ब्रांचेज है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें शूट में आती हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडर द सॉइल इज रूट, इज कॉल्ड रूट. जो प्लांट के सॉइल के अंदर का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है. आपके प्लांट के देखो पार्ट्स बता देती हूँ मैं पहले. लीफ, फिर है फ्लावर, फ्रूट, ये स्टीम और ये रूट. ऊपर के भाग को एक साथ, अगर हम इन चीज़ों को एक साथ बोले तो क्या बोला जाता है? शूट बोला जाता है. अब रूट्स के बारे में बात करते हैं. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइबर रूट्स. रूट्स के टू टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? टैप रूट और फाइबर रूट्स. टैप रूट्स, मैनी प्लांट्स हैव थिक मेन रूट, ब्लो द स्टीम एंड गोज डीप इन टू द सॉइल. जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सॉइल के जस्ट नीचे किसके स्टीम के से लगती हुई एक थिक रूट या मोटी सी क्या होती है? जड़ होती है. उस इट गोज डीप इन टू द सॉइल, जो कि जो सॉइल है या मिट्टी में गहराई तक जाती है. सेवरल थिनर साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट्स. और मेन रूट है ना ये, इसी से निकलती हुई साइड रूट्स जाती हैं. इस ये किस में से निकलती हैं? मेन रूट में से निकलती हैं. ये मोटी थिक रूट होती है, उसके उससे निकलती हुई साइड रूट होती है. सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट. इस तरीके की जो रूट्स होती हैं उनको टैप रूट बोला जाता है. जैसे टर्निप है, कैरेट है, बीन्स है, ये सब क्या होती हैं? टैप रूट्स होती हैं. आपने कैरेट को देखा होगा, रेडिश देखा होगा, ये सब टैप रूट होती हैं. ये एक रूट ही होती है कैरेट भी. फाइबर रूट्स, ए नंबर ऑफ टिनी रूट्स अटैच टू द एंड ऑफ द स्टीम. स्टीम से लगती हुई किससे? जब स्टीम ख़त्म होता है तो उसके मिट्टी के नीचे क्या है? स्टीम से लगती हुई एक साथ बहुत सारी रूट्स निकलती हैं छोटी छोटी. इट लुक्स लाइक बंच ऑफ रूट्स. इन रूट्स का गुच्छा होता है. बंच में गुच्छा सा होता है. सच टाइप ऑफ रूट्स आर फाइबर रूट्स. इनको फाइबर रूट बोला जाता है. ग्रेन्स, वीट, ऑनियन, जैसे ऑनियन है, ग्रेन्स है. ऑनियन में आपने ऊपर की साइड देखा होगा बहुत सारी एक साथ निकली हुई होती है रूट्स, है ना. वो वीट है, वीट की कभी जड़ देखना, उसमें भी इस तरीके से आता है. ग्रेन्स, इन सब में क्या होता है? फाइब्रस रूट होती हैं. फंक्शन ऑफ रूट, रूट का क्या काम है या जड़ का क्या काम है? दे फिक्स द प्लांट फर्मली इन टू द सॉइल. वो जो प्लांट है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करती हैं, सॉइल में जमाती हैं. प्लांट्स नीडेड वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स को सॉइल से किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की और सॉल्ट की ज़रूरत होती है. रूट्स अब्जॉर्ब दैम. रूट्स उनको अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, एंड सेंड दैम अप टू द स्टीम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट. और उनको ऊपर स्टीम और लीव्स तक पहुँचाती है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स. कुछ जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनमें प्लांट्स के द्वारा बनाया गया भोजन होता है, वो स्टोर रहता है. मैंने आपको बताया था ये, वी ईट दैट रूट्स. हम उन रूट्स को खाते भी हैं. जैसे कैरेट है, रेडिश है, बीट है, टर्निप है, इन सबको हम खाते हैं. ये सब क्या है? रूट्स हैं. अब स्टीम और नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस.